के डोज के लिए। देखिए स्नेहा, आपको बता दूं कि आपकी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है, बट आई एम टू मच बेटर देन यू। अब सवाल ये बनता है कि मैं जेल के बाहर क्यों खड़ी हूँ। वजह है, ये रिपोर्ट देखिएगा तो समझ जाएंगे। इंसान और कुत्ते के बीच प्रेम कहानी अक्सर हमें सुनने और देखने को मिलती है। एक ऐसा ही नजारा पटना जिले के फतुहा थाने में देखने को मिला। कुत्ते का मालिक एक आपराधिक मामले में फतुहा जेल में बंद था। अपने मालिक की गिरफ्तारी से कुत्ता सदमे में आ गया और फतुहा थाने के बाहर 20 घंटे तक बैठा रहा। अपने मालिक की गिरफ्तारी से कुत्ता इस कदर सदमे में था कि कुछ खाना देने पर खाने की तरफ झांकता तक नहीं था। पहले तो पुलिस वाले कुत्ते को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब बाद में पता चला कि जेल में बंद अपराधी कुत्ते का मालिक है, तो उसे वहीं छोड़ दिया गया। 20 घंटे बाद जब उसके मालिक को छोड़ा गया, तो शेरू नाम के इस कुत्ते ने अपने मालिक के साथ खाना खाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भाई, ये कुत्ते की मदद से किसी को इतने जल्दी बेल मिलती है और लोगों का दिल पिघल जाता है, तो मैं सोचती हूँ कल न कहीं ये ना हो जाए, इसी इमोशन का फायदा उठाने की कोशिश न चल पड़े। देख, अपने को ना हफ्ता आज ही छुमांगता है, समझा गया? चिक चिक मत कर, वरना तेरे को उधर ही छागट ठोक देगा साला पंटर लोग। क्या बोल रहा था भाई? अरे एक काम साला ठीक से नहीं करता है। अच्छा छोड़ना भाई, पता भाई क्या बोलता हूँ? क्या? अपन लोग भी ना कुत्ता पालते हैं भाई। कुत्ता पालते हैं भाई? अपने खाने का तो वादा चल रहा है, तेरे को कुत्ता काय को पालना है रे? रे भाई, कल की अखबार नहीं पड़ी क्या भाई? एक अपनी जैसे को ना, सुन तो ले भाई, एक अपनी जैसे को ना पुलिस वालों ने उठा के जेल में बंद कर दिया था भाई। पता ही क्या हुआ? कौन सी नई बात? कुत्ता था मोती, उसने भाई 20 घंटे तक ना थाने के बाहर भूख हड़ताल कर दिया था भाई। कुत्ता और भूख हड़ताल? अरे भाई, कल को अगर हमें भी पुलिस उठा लेगी ना, तो कोई आए ना आए, कम से कम कुत्ता तो आएगा ना भाई। सही बात है रे। और इसी जेल से याद आया स्नेहा कि एक चोर की हालत ऐसी हो गई, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन यहाँ तो चोर के रास्ते पे रेडियम जैसा काम हो गया। कैसे? देखिए ये रिपोर्ट।